आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत है। मैं आकाश भारत, प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस, मेरे साथ दिव्यांश जम्वाल जी वाइस प्रेसिडेंट, उनके साथ फयाज दीवान जी, ये भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ मेरे भाई राहुल टंडन जी स्पोक्स पर्सन, और उसके साथ चेतन जी बैठे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे हमने यहाँ लॉन्च करने की सिग्नेचर कैंपेन को लॉन्च करने के लिए यहाँ आए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक बयान दिया कि जम्मू कश्मीर की 80% जनता जो है वो आज के निज़ाम से बहुत खुश है और वो यहाँ चुनाव नहीं चाहती। तो हमने एक फैसला लिया सारी टीम ने मिलकर कि हम सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में, कि जनता ये जवाब दे इस सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से कि क्या जम्मू कश्मीर की जनता आज के निज़ाम से खुश है या जम्मू कश्मीर की जनता को चुनाव चाहिए। हमारे कुछ सवाल हैं, जैसा कि आप पीछे देख भी सकते हैं, हमने ये जम्मू कश्मीर की जनता से पूछना चाहा है कि जो उपराज्यपाल जी ने एक बयान दिया कि 80% जनता खुश है, तो क्या जम्मू कश्मीर की 80% जनता जो है स्मार्ट मीटर लगने से खुश है, या जम्मू कश्मीर की 80% जनता जो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके खुश है, क्या जम्मू कश्मीर की 80% जनता जो है बेरोजगारी से खुश है? और अगर ऐसा नहीं है तो जम्मू कश्मीर की जनता से हम ये आह्वान करते हैं कि जहाँ जहाँ हम सिग्नेचर कैंपेन को लॉन्च करें उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि ये डाटा जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तक पहुंच सके कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं यहाँ चुनाव चाहते हैं, ना कि जो आपका जो बयान है कि हम जम्मू कश्मीर की जनता जो है 80% जो है वो खुश चल रही है आज के निज़ाम में, वो बिल्कुल भी गलत है। और हम ये चाहेंगे कि जब भी हम ये कैंपेन जहाँ जहाँ लेके जाएं तो जम्मू कश्मीर की जनता जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो सके। क्योंकि जो आज के दिन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बयान दे रहे हैं उसे देखकर तो ये लगता है कि वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। और कल भी ये सुनने को मिल रहा है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव, जिसका बेसब्री से इंतज़ार जम्मू कश्मीर की जनता कर रही थी, उसके लिए भी सुनने को आ रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर में उन चुनावों को भी डेफर कर दिया जाए। तो एक ही हमारे पास मौका है कि सिग्नेचर कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता को इंसाफ मिल सके और जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सके। धन्यवाद। हमारे सारे मुद्दे जो हैं वो इसमें कवर होते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कहा है कि जो इस समय का निज़ाम है इसमें जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, और जितने भी मुद्दे जम्मू कश्मीर में आज के दिन में हैं उन मुद्दों को हमने इस सिग्नेचर कैंपेन के जरिए जो है लोगों के बीच लेके जाना है, जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो इस कैंपेन में जुड़कर ये फैसला उपराज्यपाल साहब को देगी कि हम आपके निज़ाम से खुश नहीं हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं है, और हमें बदलाव चाहिए, और बदलाव सिर्फ इलेक्शन से ही हो सकता है, बिना उसके बदलाव नहीं हो सकता।